तो गाइस फाइनली पहुंच चुके हैं सिद्धू भाई की हवेली पे। देख जीटी रोड उत्ते किले ची हवेली होई, यही है वो हवेली। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल अभी हो रही सुबह। गाइज जैसे कि मैंने आपको बताया था, साइंस की 2-3 दिन की छुट्टी पड़ गई है, तो वही आज हमारा प्लान बन गया मूसा विलेज जाने का। आज सिद्धू मूसे वाले की हवेली दिखाएंगे भाई आपको। और साइंस देखो भाई, शेर वाली जैकेट पहन के मस्त रेडी हो गया है। कितनी बड़ी हवेली होगी वो भाई? वो बहुत बड़ी हवेली है, उसमें ना मस्त ट्रैक्टर वैक्टर भी है सिद्धू भाई के, वो सारे दिखाएंगे बच्चों को। गाइज हमारा ड्रीम था भाई सिद्धू भाई से मिलने का, क्योंकि भाई उनके जैसा सिंगर ना मुझे आज तक कोई नहीं लगता भाई। जैसा भाई वो गाता था ना, ऐसा आज तक कोई सिंगर नहीं हुआ। खतरनाक गाने गाते थे गाइस। सिद्धू भाई हमें इतने पसंद है ना कि हमने अपनी मिनी जीप में भी सबसे पहले उनका फोटो लगवाया। आज हमारा ड्रीम कम ट्रू हो जाएगा। तो अभी सिद्धू भाई के और भी फैन आ रहे हैं, उन्हें भी साथ लेके जाएंगे। तो गाइस अभी विशाल को बुला लिया है, आज फाइनली अपने आइडल के वहाँ जा रहे हैं। कैसा लग रहा तुझे भाई? 1 साल से वेट कर रहे थे हम वहाँ जाने का, आज फाइनली मौका आ चुका है सिद्धू मूसा वाले गाँव जाने का। और शायद तो सुबह उठते पेट पूजा करने लग गया, वो भी रोटी में जैम लगा के, पहले पेट पूजा फिर काम पूजा। तो गाइस मिस्टर रोहन भी आ गए हैं। हेलो गाइस, आज तो भाई बड़े बड़े क्रिएटर आ गए सिद्धू भाई से मिलने जा रहे हैं। तो गाइस अभी ऑल सेट, अभी फाइनली चलते हैं भाई मूसा विलेज। दिलदानी मड़ा तेरा सिद्धू मूसे वाला, तो चलो गाइस चलते हैं। चलो तो भाई सिद्धू मूसे वाले गाने चला दिया हमने, और अब पूरा रास्ता यही बजेंगे। ओ पीछे पीछे तुर दिया फेम आजकल, आंदा है सितारा विच नेम आजकल, तेरे कर के गाने साडे नहीं चलते, लंडू लोंदे मेरे ते ब्लेम आजकल। सिद्धू दा स्टाइल आजकल 24 घंटे बजदा मोबाइल आजकल, चढ़ाई लियो मेरा रिप्लाई मंग दे, छड्डा दे के छोटी जी स्मेल आजकल। तो गाइस अभी पहला स्टॉप लिया है, अभी अंदर चल के देखते कुछ मस्ता मिल रहा है नहीं भाई। यहाँ तो मेरी फेवरेट हीरा स्वीट्स भी मिल गई, इसकी बालूशाही बहुत फेमस है, बालूशाही खाते हैं। तो अभी हीरा स्वीट्स की बालूशाही ले ली है, तुम क्या खाओगे भाई? ये देखो भाई कितनी तगड़ी मार्केट बना रखी है यहाँ पे। तो भाई फूड कोर्ट कम लग रहा है, शॉपिंग मॉल ज्यादा लग रहा है। तो गाइस बड़ी बकवास मार्केट थी भाई, पूरी मार्केट में सिर्फ कपड़े ही कपड़े हैं। साइंस के लिए चिप्स लेने थे, चिप्स ही नहीं है, एक भी दुकान नहीं है चिप्स की। चिप्स भी नहीं है यार, क्या बाजार बनाओगे तुम? उन्होंने ना पॉपट कर दिया। तो गाइस अभी चिप्स की शॉप पे आ गए हैं, और इसने देखो भाई क्रैक्स ले लिए। भाई इतनी ठंड में कोल्ड ड्रिंक कौन पीता है, गरम हुई पड़ी है। तो अभी भर के चिप्स ले लिए हमने, अब भाई गाड़ी सीधी मूसा गांव में रुकेगी। भाई विशाल देखो कितने मिर्च वाले कुरकुरे लाए हैं, इनकी तो मस्त कोल्ड ड्रिंक पार्टी चल रही है। तो अभी पेट्रोल पंप पे रुके हैं, साइंस ने क्रैक्स खोला और इसमें से गिफ्ट निकल गया भाई, स्पिनर। अबे भाई एक ही निकलता है और मत ढूंढ। और आज का ज्ञान नहीं है भाई, भाई काले चोर पे भरोसा कर लेना, मगर गूगल मैप पे मत करना। भाई खेतों में लाके घुसेड़ दिया भाई, पता नहीं कहाँ ले जा रहा है भाई साहब। 1.5-2 घंटा हो गया खेतों में चले जा रहे हैं, समझ ही नहीं आ रही। तो गाइस फाइनली 5 घंटे की ड्राइव के बाद पहुंच चुके हैं मूसा पिंड, और पीछे भाई की समाधि है। तो अभी पहले समाधि पे चलते हैं, दर्शन करते हैं, उसके बाद चलेंगे भाई हवेली पे। भाई यहाँ पे तो मेला लगा हुआ है भाई, ऐसी लगता है मेला यहाँ पे सिद्धू मूसे वाले का। तो भाई फाइनली पहुंच चुके हैं भाई की समाधि के यहाँ पे। भाई यहाँ तो 8-11 भी रखा हुआ है और जीप भी रखी हुई है। दिलदानी मारा तेरा सिद्धू मूसे वाला, ये थापी भाई रियल में लीजेंड सिंगर था। अगर पंजाब की हिस्ट्री में देखे ना, चमकीला और कुलदीप माणक के बाद कोई तगड़ा सिंगर था तो सिद्धू मूसे वाला था भाई। भाई साइंस और हम तो फैन है भाई, इतने गाने सुनते हैं इनके इतने आज भी। जब मैं 3 साल का था जब भी सुनता था। आओ दर्दानी माड़ा तेरा सिद्धू मूसे वाला, ऊंचा उड़ के इतना इतराओ मत परिंदो, मैं औकात पे आ गया तो आसमान खरीदूंगा। ये देखो भाई समाधि के सामने बहुत सारी शॉप्स हैं जिनमें सिद्धू भाई की टी शर्ट वगैरह मिल रही है। ये देखो छोटे छोटे ट्रैक्टर भी मिल रहे हैं भाई, यहाँ तो सारा सामान मिल रहा है, की चेन कप वप सब चीजें। अबे भाई ये क्या देख रहा है, गन। चलो तो गाइस अभी हवेली पे चलते हैं और हवेली पे चल के दिखाते हैं आपको। भाई मजा आ गया भाई यहाँ पे आगे, थोड़ा बुरा लग रहा है कि भाई यार ऐसा होना नहीं चाहिए था, लेकिन अच्छा लग रहा है यहाँ पे आगे। भाई अगर भाई होता और जब मिलते ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता भाई, हमने आने में बहुत देरी कर दी, हमें पहले आना था 1-1.5 साल पहले। चलो तो गाइस अभी समाधि पे दर्शन कर लिए, अभी फाइनली चलते हैं भाई हवेली पे। दिलदानी माड़ा तेरा सिद्धू मूसे वाला। तो गाइस फाइनली पहुंच चुके हैं सिद्धू भाई की हवेली पे। देख जीटी रोड उत्ते किले ची हवेली होई, यही है वो हवेली। चलो तो भाई फाइनली अंदर चलते हैं और भाई के ट्रैक्टर दिखाते हैं आपको। ये देखो भाई भाई की ट्रॉली जो भाई गिफ्ट करी थी, और ये देखो भाई भाई की हवेली। गाइस रियल बताऊं भाई रोना आ रहा है, आंखों में से आंसू गिरने वाले हैं मेरे। ये देखो भाई ये वो थार जिसमें भाई लास्ट टाइम पे जा रहे थे भाई, शीशे पे देखो कितनी गोलियां भाई साहब, भाई 32 गोलियां लगी हुई है, बोनट पे भी गोली है भाई। और ये देखो भाई एक और जीप, और ये तो आपने देखे हुए हैं भाई,
8-11 भाई। भाई को ना ट्रैक्टर का बहुत शौक था। ये देखो भाई 5-5 ट्रैक्टर है भाई, सारे ब्रांड के ही ट्रैक्टर है। और ये देखो झोटा भाई, ऐसा ही ट्रैक्टर बनवाएंगे हम भी। भाई फार्मिंग के जितने इक्विपमेंट होते हैं ना, सारे थे भाई के पास, हैरो वैरो सब। और ये देखो एक और गाड़ी, इसका नंबर भी 9-11 है। और लेटेस्ट गाने में आपने इस कुर्ते को देखा होगा भाई, जो सिद्धू भाई की मम्मी बनाती हैं। भाई इस सीन को देख के ना रोना आ जाता गाने में। भाई ट्रैक्टर देख के तो मजा ही आ गया भाई, इसको देख के ना मेरा ऐसा मन कर रहा है कि मैं ट्रैक्टर का शौक कर लूं। बनवा ले ट्रैक्टर एक मस्सा है कोई और। भाई म्यूजिक सिस्टम देख रहे हो कितने मस्त लगे हुए हैं भाई ट्रैक्टरों पे। ये देखो भाई सिद्धू मूसे वाले का डॉगी। भाई सिद्धू मूसे वाले डेथ के बाद ये बहुत रोया था, इसकी वीडियो भी है। ओ दिलदानी मड़ा, तेरा सिद्धू मूसे वाला। गाइस भाई ने बड़े चाव से हवेली बनाई थी भाई। भाई रियल में भाई की हवेली घूम के तो मजा ही आ गया, दिल खुश हो गया भाई। भाई फादर साहब तो बीमार चल रहे हैं तो उनसे तो मिल नहीं पाएंगे, अगर उनसे मिलते तो और बढ़िया लगता यार। अभी सिद्धू भाई के पुराने वाले घर की तरफ चलते हैं, वहाँ पे एक बुजुर्ग है जिनके पास भाई बैठते थे, तो हो सका तो उनसे मिलवाएंगे आपको। ये देखो भाई ये भाई की हवेली का मेन गेट, बाकी गेट भी देखो भाई क्या पुराने स्टाइल में भाई ने बनवाया था। भाई एक नंबर बनवा रखी हवेली भी। ये देखो हवेली के बाहर भाई के पोस्टर लगे हुए हैं, और इस तरफ देखो पापा मम्मी के साथ फोटो लगी हुई है, कितनी सुंदर लग रही है। तो भाई डैडी जी आ गए हैं। ये देखो भाई की गाड़ी आ गई भाई। तो यहाँ के आपको क्या सीख मिलती है? पता नहीं। यहाँ के आपको क्या सीख मिलती है? कि भाई दिल दानी वाड़ा। भाई यहाँ के ना ये शिक्षा मिलती है कि अगर तुम्हारे अंदर टैलेंट है ना, तो तुम गांव में बैठ के भी पूरी दुनिया को हिला सकते हो। अगर तुम्हारे अंदर टैलेंट और मेहनत करना जानते हो ना, तुम भी मेला लगा सकते हो ऐसी। और ये बात भाई ने प्रूव कर दी भाई, इसके लिए कोई सबूत की जरूरत नहीं है। गाय जब हवेली देख ली है, अभी सिद्धू भाई के पुराने घर पे जा रहे हैं। ये देखो भाई मूसा गांव, पूरा मूसा गांव घुमा देंगे आपको। ये देखो यहाँ पे भाई के बहुत सारे गाने शूट भाई। पुत पूरी फिल्म यहाँ शूट हुई है, और डॉक्टर वाला गाना भी। ये देखो भाई जीरो से उठा हुआ बंदा, ये है भाई का पुराना घर। और इस घर से उठ के भाई हवेली बनाई, इतना सिस्टम जोड़ा। श्रीमती चरण कौर सरपंच। ये देखो ये वो पेड़ जिसके नीचे भाई बैठा रहता था, यहीं कुर्सी पड़ी रहती थी, और एक बुजुर्ग थे उनके साथ बैठ के बात करते रहते थे, अगर हो सका ना उनसे मिलवाएंगे आपको। ये देखो जी बापू जी मिल गए हैं, सबसे क्लोज फ्रेंड सिद्धू भाई के। भाई जब से भाई गए बीमार रहते हैं भाई। भाई सिद्धू भाई ना बुजुर्गों के साथ ही बैठता था हमारी तरह, और बापू के साथ ना सबसे ज्यादा गहरी दोस्ती थी, इनके साथ ही यहाँ तालाब पे बैठा रहता था पूरे 6-6 घंटे 7-7 घंटे। तो बापू का भी एक दोस्त चला गया यार, बड़ा दुख हुआ मैं तो। भाई ये होती है असली दोस्ती भाई, जिसने भी किया ना भाई इतिहास मिटा दिया आपने। ये देखो भाई बाबा जी ने यहाँ भी पोस्टर लगाया हुआ भाई, इतना प्यार करते थे सिद्धू से। तो गाइस अभी पूरा मूसा गांव घूम लिए, अभी फाइनली चलते हैं भाई घर की तरफ। बाकी भाई अच्छा तो लग नहीं रहा भाई, बिल्कुल दिल से रो रहा हूँ मैं तो अंदर से। यहाँ पे आके रोना सा आ गया भाई, मुझे पता मैं कितनी बार रोया हूँ भाई, बता नहीं सकता मैं। जितनी बार मैं गाने सुनता हूँ ना और याद करता हूँ तो रोना आ जाता भाई। चलो तो गाइस अभी फाइनली चलते घर की तरफ। चलो चलते तो गाइस अभी घूम घाम के आ चुके हैं घर। भाई मूसा गांव से यहाँ आने में भाई 6-7 घंटे लग गए, बिल्कुल थक गए बुरी तरह। ये देखो भाई शायद तो आते ही सो गया। बाकी गाइस मेरा ड्रीम था भाई भाई के गांव जाने का, तो आज वो ड्रीम फुलफिल हो गया। बाकी ट्रैक्टर देख के तो मजे आ गए, तो मस्त मस्त ट्रैक्टर थे, और वो भी 5-5। होप करता हूँ आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग भाई, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब कर देना।